नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। तालिबान के कहर के बीच शनिवार को तालिबानी लीडर अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्ला शाहिदी से मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान तालिबानी लीडर ने कहा कि तालिबान की तरफ से टीम को पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा। रिपब्लिक वर्ल्ड में छपी खबर के मुताबिक अनस हक्कानी ने हशमतुल्ला शाहिदी समेत अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों और सिलेक्शन बोर्ड से बातचीत की। इस दौरान तालिबानी लीडर ने बोर्ड और खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उनकी तरफ से बोर्ड और टीम को पूरी तरह से सपोर्ट दिया जाएगा। बताते चले, इस मीटिंग से पहले तालिबानी नेताओं ने अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान दिग्गज असगर अफगान से भी मुलाकात की और उसके कुछ दिन बाद ही क्रिकेट टीम से उन्होंने बातचीत भी की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद शिनवारी ने ये बताया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने भी ये बताया है कि तालिबान ने क्रिकेट को पूरी तरह से समर्थन देने की बात कही। आपको बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। इससे पहले राशिद खान ने पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के लोगों को बर्बाद होने से बचा लीजिए। राशिद खान इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद वो आईपीएल के लिए यूएई रवाना हो जाएंगे, जहां वो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मुकाबले में हिस्सा लेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।